ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 15 देव योग ऑफ द सुप्रीम पर्सन श्लोक संख्या 6। न तद्भाष्यते सूर्यः न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो इससे पहले हमने सुना कि एक पेड़ है, अश्वत्थ पेड़ के जैसा, ये मेटल वर्ल्ड है जो कि उल्टा है। इससे हमने समझा कि ये संसार एक तरह से प्रतिबिंब है रियल वर्ल्ड का, लेकिन प्रतिबिंब प्रतिबिंब ही होता है और रियल चीज़ रियल ही होती है। इसलिए यदि प्रतिबिंब में हम कुछ चीज़ ढूंढने का प्रयास करेंगे तो नहीं मिलेगा। हमने सुना कैसे जल के अंदर पेड़ की परछाई पड़ती है और जल के अंदर वो फल दिखता है जो वास्तव में पेड़ में लगा है। यदि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति उस जल के अंदर उस फल को ढूंढने के लिए जाए तो उसको मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार से हमने समझा। फिर हमने समझा किस प्रकार से ये भौतिक जगत की जो टहनियाँ हैं, ये अलग अलग विषय हैं जिसमें अलग अलग स्वाद में, अलग अलग इंद्रिय तृप्ति के विषयों में व्यक्ति खो जाता है इन टहनियों में। लेकिन टहनियों में एक गुप्त रास्ता है निकलने का, जो कि गुरु के माध्यम से हमें पता चलता है। क्योंकि ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड ट्री है, इसमें जड़ें ऊपर भी हैं, जड़ें नीचे भी हैं। बड़ा मुश्किल है ये पता लगाना कि कैसे बाहर निकला जाए। लेकिन एक कुशल कैप्टन के निर्देश में एक नौका, एक शिप, एक बोट समुद्र को पार कर जाती है, वैसे ही इस मनुष्य देह में एक गुरु के माध्यम से हम उसके डायरेक्शन में इस पेड़ को विरक्ति के तलवार से काट के निकल सकते हैं। और विरक्ति का अर्थ, सही अर्थ है कि हर वस्तु को यही सोचना कि हम उसके भोक्ता नहीं हैं, भगवान उसका भोक्ता है। और धीरे धीरे करते करते ऊपर चले जाना और इस संसार से परे उस रियल पेड़ की तरफ चले जाना जिसका ये प्रतिबिंब है, यानी कि उस आध्यात्मिक जगत की तरफ। तो भगवान ने इससे पिछले श्लोक में बताया कि उस आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए हमें कुछ गुण एकत्रित करने पड़ेंगे। ये कोई टोटके से काम नहीं हो पाएगा, हाँ ये कहीं चौराहे में नींबू और मिर्ची लगाने से नहीं हो जाएगा, ये कुछ पर्टिकुलर किसी देवता को प्रसन्न करने से नहीं होगा, शनि देव को प्रसन्न करने से नहीं हो जाएगा, किसी और देवता को प्रसन्न करने से नहीं हो जाएगा। इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन अर्जित करनी पड़ेगी, जो भगवान बोलते हैं जो झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त है, मोह से, कुसंगति से मुक्त है, शाश्वत तत्व को समझता है, भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, सुख और दुख के द्वंद से मुक्त है और भगवान की शरण में जाना चाहता है टोटली मोह रहित होकर, वे उसको प्राप्त करते हैं। अब उस लोक की कुछ डेफिनेशन या उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि वो लोक आखिर में है कैसा। तो बोलते हैं कि वो मेरा परम धाम जो है, जहाँ जाने की हम बात कर रहे हैं, हाँ वो ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित है। हम तो यहाँ पर कई बार कहते हैं आपकी सिटी में क्या है, आपके पास पावर बैकअप है, आपकी सोसाइटी में पावर बैकअप है। तो कई जगह पावर बैकअप होता है, कई जगह पावर बैकअप नहीं होता, तो कहते हैं इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। इन्वर्टर भी कभी डाउन हो गया तो क्या करेंगे, क्योंकि थोड़े समय पर इन्वर्टर भी डाउन हो गया तो पावर बैकअप में वो कहेंगे जी पावर बैकअप तो है लेकिन एसी नहीं चलेगा आपका, और पावर बैकअप में आपके जो यूनिट हैं वो चार्जेस डबल चार्जेस होने लग जाएंगे। कितनी समस्या है इस संसार में, है कि नहीं। तो कई बार टोटल फेल्योर भी हो जाता है, ग्रिड फेल्योर हो जाते हैं, तो बहुत समस्या है। लेकिन उस संसार में भगवान कह रहे हैं लाइट की तो छोड़ दो, लेकिन देखिए दिन की रोशनी में हमें कभी दिक्कत नहीं आती है जनरली, है ना। दिन की रोशनी तो दिन की रोशनी है, उसमें कोई फेल्योर नहीं होता है, राइट। चंद्रमा की रात की रोशनी में कभी चंद्रमा रोशनी देते हैं, कभी चंद्रमा नहीं भी देते हैं, लेकिन दिन की रोशनी में बहुत तेज धूप होती है। कई बार सूर्यदेव भी गायब हो जाते हैं बादलों में, कई महीनों तक, कई दिनों तक, हाँ सर्दियों में। तो वहाँ पर भी समस्या है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं बिजली की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सूर्य चंद्रमा की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य भी जिससे ऊर्जा लेता है वो है भगवान। वास्तव में सूर्य के बारे में साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि हजारों करोड़ों पता नहीं कितने हाइड्रोजन, कितने ब्लास्ट हो रहे हैं, यानी कि कितने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हर सेकंड में वो ब्लास्ट हो रहे हैं। एक न्यूक्लियर बॉम्ब ने यहाँ पर हाहाकार मचा दिया था, आप जानते ही हैं, जब गिराया था अमेरिका ने, तो सोचिए वहाँ पर हर पल में कई न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि
कैसे वो मैनेज हो रहा है इतने परफेक्टली कि सूर्य हमारे लिए ब्लास्ट नहीं है, हमारे लिए कोई अपशगुन नहीं है, हमारे लिए तो ऊर्जा का सोर्स है। सूर्य ना हो तो संसार में कितनी मुसीबतें हो जाए। तो ऐसा सूर्य ऑटोमेटिकली इतने ऊर्जा पैदा कर रहा है, ये मानना एक पागल व्यक्ति का, कहीं पर आग लग रही हो हाँ और वो लगती रहे और वो लगती ही रहे और लगती ही रहे और लगती ही रहे, तो इसका मतलब कोई ना कोई व्यक्ति है जो फ्यूल कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहा है। जैसे कंटिन्यूस प्लांट होते हैं, कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कभी बंद नहीं करे जा सकते, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन 24 घंटे वो प्लांट को चलना, क्योंकि उसको बंद करके चलाना बड़ा मुश्किल है। तो प्लांट चलते ही रहते हैं, वो चलते ही रहते हैं। क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि कोई उसको चलाता रहता है, कोई उसको फ्यूल देता रहता है, तब वो चलता ही रहता है। हाँ, तो इसलिए ये मान लेना साइंटिस्ट का कि ये अपने आप ही इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा पैदा कर रहा है, इसके पीछे कोई कारण नहीं है, ये मूर्खता है। कि कोई भी निर्जीव वस्तु, कोई भी निर्जीव वस्तु अपने आप काम नहीं करती है। जैसे हमारी कार अपने आप नहीं चलती है, अगर किसी कार को धक्का मार के आगे छोड़ भी दिया जाए तो थोड़ी देर में बाद रुक जानी चाहिए कायदे से। हाँ, लेकिन अगर उसके पीछे कोई जीवित व्यक्ति कंटिन्यूस एफर्ट्स डालता रहेगा तो उसमें कुछ क्रिया होती रहेगी, राइट। तो उसी तरह सूर्य के पीछे, सूर्य की जो पावर है वो है भगवान की पावर, चंद्रमा की जो पावर है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मेरे धाम में सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है, ये तो इस संसार में मैंने अपना समझ लीजिए एक शक्ति का एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा हुआ है सूर्य के रूप में। हाँ, ना तो अग्नि की आवश्यकता है ना बिजली की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा धाम स्वतः प्रकाशित है भगवान के तेज से, मेरे तेज से। इसलिए जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते। भगवान केवल एक लक्षण देते हैं अपने धाम का। भागवतम में हम बहुत कुछ सुनते हैं भगवान के धाम में, जब चार कुमार भागवतम में पहुँचते हैं, चार कुमार भागवतम में कथा आती है वैकुंठ में, अभी तो वैकुंठ की बात है, गोलोक की तो बात ही नहीं कर रहे। तो वो इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन लिखा है उस वैकुंठ का, यहाँ भगवान गीता में, क्योंकि गीता में समय कम था, युद्ध का समय आ रहा था और अर्जुन बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति था, थोड़े में ज़्यादा समझने वाला था, इसलिए उसको थोड़ा सा बताते हैं कि देखिए अभी तो आप इतना ही समझ लीजिए, मेरे धाम में ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं है। कई सारे पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, हम बिजली घर घर में प्रोवाइड करेंगे, शुरू में ही पहले दिन ही कर देंगे। कितने लोग ऐसा प्रॉमिस करते हैं, कितनी बड़ी समस्या है, बिजली से ही सारा काम चलता है आज की डेट में, हर चीज़ बिजली से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से। हाँ, आपकी क्लासेस इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, आपके कंप्यूटर, सबके मोबाइल फ़ोन, सबकी हर चीज़ बिजली से चलती है। हाँ, इसलिए भगवान केवल एक एग्जाम देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं कि मेरे वहाँ पर इन सब की आवश्यकता पड़ती नहीं है, स्वतः प्रकाशित है। प्रभुपाद भी ऐसा बोल रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान के, कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर एक आप कोई व्यक्ति कहेगा कि क्या इसके क्या इसकी गारंटी है कि ऐसी कोई जगह भी है। देखिए हम लोग कितने सारे एडवर्टीजमेंट्स में काम करते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट बोलता है इसके अंदर आप इस सोसाइटी में आके रहिए, ये ग्रीन्स वो ग्रीन्स, और यहाँ पे आइए, यहाँ पर ये बेनिफिट है, यहाँ पर वो बेनिफिट है। टीवी में हम कुछ एडवर्टीज, इस प्रोडक्ट को खाइए, इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ये बेनिफिट है। और अक्सर हमारे साथ होता है कि कई बार चीज़ें सही भी होती हैं, कई बार चीज़ें झूठी भी होती हैं, लेकिन हम काइंड ऑफ एक विश्वास करते हैं। समाज में कलयुग के अंदर चार धर्म के पिलरों में एक ही पिलर अभी बचा हुआ है, सत्यता, कुछ हद तक नॉट कम्प्लीटली। तो ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी बस में चलेंगे जो बस का माना 101 नंबर है और बस एक पर्टिकुलर जगह पे जाएगी, तो आप ये मान के चलेंगे कि बस वहीं जाएगी और आप आगे बंद करके सो सकते हैं। इतना ट्रस्ट तो अभी है संसार में, ट्रस्ट के बिना तो एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते हम। श्रद्धा, यहाँ पर जब हम नॉर्मल अखबारों की न्यूज़ में यकीन मान लेते हैं, लिखा है सही लिखा हुआ, टीवी की न्यूज़ को सही मान लेते हैं, किसी ऐड की चीज़ को सही मान लेते हैं, यहाँ पर ये कोई साधारण पुस्तक की बात नहीं कर रहे हैं हम। दिस इज़ भगवद गीता, ये पूरे संसार में इसका लोहा माना जाता है, करोड़ों लोग इससे बेनिफिट हुए हैं। ये भगवद गीता में स्वयं भगवान बता रहे हैं। तो ये प्रॉमिस पे अगर नहीं मान रहे तो किस प्रॉमिस को मानेंगे हम? अगर इस डिस्क्रिप्शन को नहीं मान रहे तो किसको मानेंगे हम? तो किस पर विश्वास रखेंगे? भक्ति का शुरुआत ही श्रद्धा से होती है, कोमल श्रद्धा से होती है। श्रद्धा के कारण व्यक्ति साधुओं का संग करता है। हाँ, जिस पे श्रद्धा ही नहीं है तो फिर वो कर ही क्या रहा है? और हमारी श्रद्धा ऑलरेडी अभी संसार में, जैसे मैंने बताया, हम बस वाले पे श्रद्धा रखते हैं, हम एक नाई होता है, नाई उस तरह से काटता है आपका गला, आपकी शेव करता है, तो वे ट्रस्ट की गला नहीं काट देगा गलती से। हाँ, हम अपनी बॉडी को ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर को दे देते हैं, वी ट्रस्ट द डॉक्टर। हम गोलियाँ भी पता नहीं कौन कौन सी खा लेते हैं, ट्रस्टिंग द डॉक्टर। तो सारा संसार ट्रस्ट पर ही चलता है, यहाँ तो हम भगवान के शब्दों पर, भगवत गीता पर ट्रस्ट करने को बोल रहे हैं। अगर इस पर भी ट्रस्ट नहीं है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भगवान बता रहे हैं
कि मैं एक ऐसी जगह की बात बताता हूँ आपको, इस एक हम अक्सर गाना बोलते हैं ना, एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, वो जगह इस संसार में नहीं है। क्योंकि भगवान बोलते हैं ये जगह क्या है, दुखालयम शाश्वतम। तो ये गाना गलत है, लेकिन ये गाना सही भी है कि एक ऐसा गगन भी है, वो है आध्यात्मिक गगन। वहाँ पर ऐसा है, यहाँ गम नहीं है, आंसू नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं है, वहाँ जन्म नहीं है, वहाँ बीमारी नहीं है। ऐसी जगह है वो, वहाँ ना तो सूर्य की गर्मी है, इसका मतलब एक भगवान का शीतल प्रकाश हमेशा रहता है। हाँ, और बहुत ही सुंदर उसका वर्णन अगर भागवतम में कभी हम पढ़ेंगे तो बताएंगे, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। चिंतामणि वहाँ पर है, और अनेकों सुरभि गायें वहाँ पर हैं, अनेकों कल्प वृक्ष हैं। सुरभि गायें ऐसी हैं जिसको जो उसको उसको प्रेगनेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको बच्चा नहीं करना है उसको दूध देने के लिए। ऐसा नहीं है गायें प्रेगनेंसी के बाद थोड़े समय तक दूध देगी फिर दूध देना बंद कर देगी, वो सुरभि है, वो अनलिमिटेड दूध सप्लाई कर सकती है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है। वैसे ही कल्पतरु, एक ही पेड़ के अंदर सारे फल लग सकते हैं। वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन किया गया है जो कि कहानी नहीं है, ये भी भागवत पुराण की बात बता रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे शास्त्रों को माइथोलॉजी करार दे दिया गया, झूठी कहानियों का संग्रह, दिस इज बोगस। हमारी संस्कृति को चरमराने के लिए, ताकि हमें अपने आप पर शर्म आने लग जाए, अपनी लैंग्वेज पर हमें शर्म आने लग जाए, अपने कल्चर पर हमें शर्म आने लग जाए, ऐसा फैलाया गया। और उसी तभी से भारत का ये सत्यानाश हुआ जो एक जमाने पर सोने की चिड़िया कहा जाता। तो इसलिए इन शास्त्रों पर बिलीव करे बिना आदमी का उद्धार नहीं होगा। और जिसने इस पर बिलीव किया है उसको देख लीजिए कि उसके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन आया या नेगेटिव परिवर्तन आया है। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना तो सूर्य की आवश्यकता है, ना चंद्रमा की आवश्यकता है, ना बिजली, और वहाँ पर ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना व्याधि है, ना जरा है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर उस जगत की बात कर रहे हैं, और वहाँ जाकर कोई वापस नहीं आता, क्यों भला आएगा। इस संसार के इतने कष्टों में रहने के बाद व्यक्ति अपने आप को शुद्ध करके, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया, यदि उस धाम में चला जाता है तब उसको समझ में आ जाता है। कहते ना, शाम का भूला घर आ जाए तो फिर भी ठीक है, भूला नहीं है, आ तो गया वापस, अब भला वो क्यों जाएगा। हाँ, क्योंकि उसने उस समझ लिया है कि भगवान से दूर जाके रहना कितना कष्टदायक है, इतना डिप्रेसिंग है। अपने आप को स्वामी बनाना कितना मुश्किल का काम हो सकता है। हम अपने आप को स्वामी बनाने के, स्वामित्व के चक्कर में, कंट्रोल करने के चक्कर में चीज़ों को इस संसार में पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए कि ऐसी भी जगह है, ऐसी भी जगह है। लेकिन वहाँ जाने के लिए हमने पिछले कुछ श्लोकों में सुना, विरक्ति से इस पेड़ की टहनी को काटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन इस सूचना से वह व्यक्ति को मुग्ध हो जाना चाहिए कि ऐसी जगह है, एट द एंड ऑफ द टनल देर इज होप, उसे उस शाश्वत जगत में ले जाने की इच्छा करनी चाहिए। इच्छा पैदा कीजिए, हम भी कह रहे हैं सपने देखिए, जैसे संसार कह रहा है सपने देखिए, सपने अच्छे हैं, सपने देखिए। अब भाई हम रिटायरमेंट के बाद हम इतना पैसा जमा कर लेंगे, इस पॉलिसी में इतना मिल जाएगा, उसके बाद हम यहाँ घूमने जाएंगे। लेकिन जब तक रिटायरमेंट आई 50 बीमारियाँ लग चुकी थी, बच्चे जो जा चुके थे, हम अकेले रह गए थे, हम डिप्रेस थे, पैसे के साथ भी कुछ नहीं कर पाए। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। यहाँ पर सपने दिखाए जाते हैं, यहाँ पर भगवान भी कुछ सपने दिखा रहे हैं, बट वो सपने वास्तविक हैं क्योंकि भगवान द्वारा दिखाए गए। देयर इज़ अ गारंटी, एक इतने बड़े व्यक्ति की गारंटी है। इस संसार में भी हमने बोला, हम विश्वास करते ही हैं किसी बड़े व्यक्ति के कहने पर। कई बार हम किसी को पैसे भी दे देते हैं कि चलो आप देख लोगे ना, तो हम कर देते हैं। यहाँ पे साक्षात भगवान कह रहे हैं कि उस जगत में जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। तो लेट्स ट्राई टू गो देयर, वी शुड ट्राई टू गो देयर। उसके लिए ये क्वालिफिकेशन डेवलप करनी पड़ेगी, कहीं तेल चढ़ाने से काम नहीं होगा। हमें अपने चरित्र को बदलना पड़ेगा। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है उसके लिए आसक्ति का छेदन करना दुष्कर है, लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो वो ऐसा कर पाता है। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए, प्रभुपाद कह रहे हैं, जो कृष्ण भावनामृत हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जहाँ के लोग कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हैं, उनसे भक्ति सीखनी चाहिए। तो ऐसे समाज में रहने का प्रयास कीजिए। यस, दिस इज द, ये करना है हमें अपने जीवन में, इसको करेंगे तब ये मिलेगा। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक आकर्षण विच्छेद हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। केवल दिखावी विरक्ति से काम नहीं चलेगा, उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा, भगवान के प्रति आसक्त। तभी तो उसके उनके धाम में जाएंगे, तभी तो बुलाएंगे। आप मेरे से प्यार करते हो तभी तो मैं आपको अपने घर में बुलाऊंगा, वरना मैं क्यों चाहूंगा कि आप मेरे घर में आए। उसी तरह से भगवान भी तभी तो बुलाएंगे यदि हम भगवान से प्रेम करते हैं, आसक्ति है हमें भगवान से,
उसके लिए भक्तों के संग में हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए, ऐसे समाज में रहना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद्गीता की जय।